राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो जैसे कि आज जन्माष्टमी का दिन चल रहा है और सुबह पूजा पाठ हो गई है और शाम को आज 12 बजे भादो मास की अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म के उपलक्ष्य में आज जन्माष्टमी मनाई जाती है। और जैसा कि पूजा तो हो गई है, अब जन्म की तैयारी की जा रही है और थोड़ा सा मिठाइयाँ, तो अब भगवान का जन्म हो रहा है तो थोड़ी सी मिठाइयाँ, मीठा तो बनता है। और तो लिए चलती हूँ आपको किचन की ओर और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, क्या क्या बनाना है देखते हैं आगे। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो दोस्तों, ये नारियल मैं कस रही हूँ और नारियल कसते कसते अब ये रह गया है, सारा नारियल का बूरा निकल चुका है और काफ़ी ताकत लग रही है। पर कान्हा के लिए पंजीरी बनानी है, भोग बनाना है, तो मज़ा तो आ ही रहा है। और कसते कसते हाथों में ये हो गए, लाल हाथ हो गए हैं। और अभी थोड़ा सा और रह गया, इसको कसना है, फिर इसकी बनाएंगे हम गोले की पंजीरी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जो गोले की पंजीरी बनाऊंगी उसके लिए मैं चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने एक कटोरा इसमें पानी डाल दिया है, अब इसमें पड़ेगी चीनी और इसमें पड़ेगी शुगर भी एक कटोरी। अब ये उबलेगा और इसकी कितनी तार की चाशनी बनेगी ये देखते हैं। तब तक का मैं नारियल को थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लिया है और ये गर्म हो गया है। तो राधे राधे बोलते हुए इसमें हम नारियल डालेंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो अभी हम दूसरी पंजीरी के लिए भी रखेंगे इतना सा नारियल कसा हुआ। अब इसको थोड़ा हल्का भून लेते हैं। इधर चाशनी उबल रही है, अभी चेक करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सारा नारियल इसमें डाल दिया है एक ही साथ। इसको थोड़ा सा भून के मैं दूसरी पंजीरी के लिए भुना हुआ अलग से निकाल लूँगी। तो थोड़ा सा मेरे पास बूरा भी रखा हुआ था नारियल का बूरा, वो भी मैंने इसमें मिला लिया। तो अब जितनी ज़रूरत नारियल की पंजीरी के लिए होगी उतना नारियल उसमें रख लेंगे, बाकी का बचा हुआ दूसरी पंजीरी के लिए रख लेंगे। तो अभी इधर चाशनी तैयार हो रही है। तो अभी ये थोड़ा सा चिपक रही है पर एक तार की होनी चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसको और गर्म कर रही हूँ, तो कम से कम एक तार निकलना चाहिए। नारियल वाली नारियल की पंजीरी तैयार हो गई है। ये मैंने उसमें चाशनी में नारियल, भुना हुआ नारियल मिक्स करके इसमें थोड़ा किशमिश डाल के इसको मैंने थाली में जमाने के लिए रख दिया है। थोड़ी देर में इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो दोस्तों, ये मखाने, मूंगफली, बादाम और काजू, ये हम 2-3-4 चम्मच घी में हल्का सा रोस्ट कर रहे हैं। बहुत तेज़ आंच में नहीं करना है, हल्की फ्लेम में ही रखना है। और जब ये थोड़ा सा और थोड़ा सा क्रिस्पी से हो जाए तो फिर हम इनको दरदरा सा पीस लेंगे। आप इन्हें अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, तो मैं तो एक साथ कर रही हूँ। आप लोग इसे अलग अलग भी 3-4 चम्मच घी में पहले बादाम कर लिए, फिर काजू कर लिए, फिर मूंगफली कर ली। और अभी यदि आपके पास खरबूजे वाले बीज हैं, खसखस है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, और ये सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट होके अब मैंने मिक्सी में इनको दरदरा चला रही हूँ। देखिए, अभी हुआ नहीं है, अभी थोड़ा सा और चलाएंगे फिर। और इसकी चाशनी यहाँ पे तैयार है, फिर चाशनी में इसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये दरदरा सब इसके तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा कुछ बादाम के थोड़े मोटे पीस भी रह सकते हैं, तो कोई नहीं। अब इसको हम चाशनी में डाल रहे हैं। इसमें रह गया है, इसको हम चम्मच से निकाल लेंगे। ये सब मैंने इसमें चाशनी में डाल दिया है, थोड़ा सा जो गोले का बूरा बचा था वो भी इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको चाशनी में अच्छे से मिक्स कर, और अब इस जो मिक्सर मैंने बना दिया है इसके बनाएंगे लड्डू। बहुत अच्छे से लड्डू बन जा रहे हैं इसके। पंजीरी बन गई, लड्डू बन रहे हैं।
और फाइनली मेरा सारा भगवान जी के लिए भोग तैयार हो गया है। और ये है पंजीरी, देखिए बहुत बढ़िया जमी हुई है। और ये है मलाई और चीनी, ये है लड्डू, और अभी ये आएगी ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया पंजीरी बनी हुई है। ये है बिल्कुल नारियल की, ये सब भगवान कान्हा के लिए भोग रखते हुए। ओ कान्हा अब तो मुरली, मुझे तो कृष्णा के बर्थडे का गिफ्ट मिल गया। आप लोगों को क्या क्या मिला आप लोग भी बताइए। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। रात के 12 बज चुके हैं और भादो मास की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान आज के दिन धरती पर अवतरित हुए थे, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान जी को भोग लग चुका है लड्डू पेड़े का, सब पंजीरी का, माखन मिश्री का, और साथ में हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो दोस्तों सभी को ढेर सारी मंगल कामना शुभकामना। इसी के साथ ब्लॉग की एंडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।